जी, अब बात कर लेते हैं कुछ आने वाले बजट के हवाले से। मोस्ट अवेटेड है, लोगों को बहुत इसका इंतज़ार है क्योंकि गवर्नमेंट आ चुकी है और जो इनके वोटर सपोर्टर हैं उनको तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। उसके अलावा दूसरों को भी बहुत उम्मीदें हैं कि जी अब शायद आवाम को इस पे रिलीफ मिल जाए। हमारे साथ जी मौजूद हैं डॉक्टर KS असलम, माहिर मईशियत हैं, इनसे बात करते हैं और इस पर तफसीलन हम जानेंगे कि कैसा बजट आने वाला है और क्या आवाम को इस बार भी रिलीफ मिलने वाला है। यानी अस्सलाम वालेकुम सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? वालेकुम सलाम जी, मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं? सब ठीक है जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब, आवाम बहुत उम्मीद लगाए बैठी है कि इस बार बजट में रिलीफ मिलेगा, क्या लगता है आपको? देखें, जब IMF की शर्तें पूरी करनी है तो इतना उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। आपके जो हैं टैक्स इकट्ठा करना है, नए टैक्स जो लोग अभी तक टैक्स नहीं दे, कोशिश होगी कि उनको टैक्स में ले आए। अगर वो नहीं आते तो जो टैक्स दे रहे हैं उन पर ज़्यादा टैक्स लगेगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी ज़्यादा लगेंगे। और उसके साथ मगर ये है, शायद अगर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी शुरू हो जाए और इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो जाए तो शायद लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हो जाए। ये वैसे बात सही है कि अभी जो महंगाई है वो कम हुई है, वो 13% पे आ गई, 33% पे थी, तो कुछ ना कुछ तो हुकूमत ने उस किया है। सर आपने IMF की बात की है, मुजाकरात तो चल रहे हैं, क्या लगता है किस किस्म की शरायत रखी जा सकती है? देखें, IMF ने बता दिया हुआ है क्या शरायत है। एक शर्त तो ये है कि आपके जो सफेद हाथी हैं जो खसारे में जा रहे हैं उनको बेचें। हालांकि PAEA बेचने की कोशिश की तो कोई खरीदने ही नहीं आया, स्टील मिल भी बंद पड़ी है। दूसरी शर्त यह है कि रीस्ट्रक्चर करें, आप हुकूमत को छोटा करें और अखराजात कम करें और उसके साथ साथ टैक्स बढ़ाएं। तीसरी शर्त यह है कि शफाफियत लाई जाए। मेरा नहीं ख्याल कि पूरी हो सकेगी। इन अ वे जो है इंडिपेंडेंस स्टेट बैंक की वो कायम रहेगी और उसकी वजह से फ्री फ्लोट रहेगा डॉलर, और वो गवर्नमेंट जब तक एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाती वो नीचे नहीं आएगा। इसके साथ तेल भी बंधा हुआ है एंड सच फोर्थ, बट ये स्ट्रक्चर्स जो हैं ये बड़ी देर से हम उनसे वादा कर रहे हैं और अब वो ज़रा थोड़ा सा सख्त कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि अगर आपने ये नहीं किया तो शायद आपको हम नहीं देंगे। वो शायद 7 या 8 बिलियन डॉलर हमने मांगे हैं इस दफ़ा। सर बजट में कोई इनक्रेडिबल टाइप की कोई नई चीज़ आती नज़र आ रही है जिसमें कोई जो रिटायर अफसरान है उनको भी कोई रिलीफ मिले, कोई गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट के मुलाजिम है उन्हें रिलीफ मिले? उसके लिए उनको मिलेगी, उनको मिलेगी वो रिलीफ। देखें, 10% तो हर साल ही मिल जाती है, मगर उनको मिलेगी शायद 12 से 15% इस दफ़ा रिलीफ। सर 15% की बात चल रही है, क्या लगता है इस पर कोई अमल दरामद भी हो जाएगा? जी, मेरा ख्याल है कि होगा, मगर सवाल ये होता है ना कि अगर आपकी आमदनी जो है वो 1000 रुपये है तो 150 रुपये मिलेंगे, और अगर 1,00,000 रुपये है तो 1,500 रुपये मिलेगा, तो फिर भी उसका जो जिनकी तनख्वाहें ज़्यादा हैं उनको मिलेगा। अगर स्लैब्स में दिया जाए तो फिर शायद नीचे तबके को ज़्यादा फायदा हो, बट नहीं, ये इस दफ़ा शायद मिलेगा वो 15%। इंशाल्लाह हम तो उम्मीद कर सकते हैं, दुआ भी कर सकते हैं कि अल्लाह करे कि कोई ऐसा साल आ जाए, कोई हुकूमत का कोई ऐसा दौर आ जाए जिसमें आवाम को भी रिलीफ मिले। सर महंगाई का जो जिन है वो तो बोतल में आने वाला नहीं है, तो क्या लगता है कि मईशियत कोई स्टेबल होती नज़र आ रही है इस बजट के बाद से? देखें बात यह है कि एक बात तो कल की खबर है कि इंडस्ट्री जो है वो 0.1% में बेहतरी आई है उसकी, मगर अगर 22% पे रखेंगे इंटरेस्ट रेट तो इंडस्ट्री इतनी आसानी से कर्जा नहीं ले सकती। तो जब तक इंडस्ट्री नहीं चलेगी वो मईशत में बेहतरी आना मुश्किल है। ये बात भी सही है कि किसानों को मरातें दी हैं मगर वो अभी भी पे हैं, उन्होंने पैदावारियत बढ़ाई है एग्रीकल्चर की मगर वो बिक नहीं रही, तो कुछ इलाकों में फ्लड आए हुए हैं। इन अवे शहरी इलाकों में तो शायद
थोड़ी सी मराते मिलें, कुछ महंगाई कम हो, मगर बाकी जो पाकिस्तान है जहाँ पे रोजगारी बढ़ चुकी है, फ्लड्स हैं, वहाँ मुश्किल है। बहुत कम्प्रीहेंसिव प्लान चाहिए हमें। आई होप कि गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म प्लान भी हमें दिखाए कि हम उस सिमत में एक्सपोर्ट कर सकें, बेरोजगारी को दूर कर सकें, वो इम्पोर्टेंट है। सर, इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो वो कैसे बाहर आएंगे कारोबार को लेकर? किस देखें, बात यह है कि उसमें तो अब IMF कह रहा है कि आप मराते नहीं देंगे, मगर आपको देनी पड़ेगी इंडस्ट्री को, लार्ज स्केल को और मीडियम इंडस्ट्री को, कुछ ना कुछ बिजली में मरात देनी पड़ेगी और बहुत सारी देनी पड़ेगी, एक्सपोर्ट टैक्स कम करने पड़ेंगे ताकि वो फ्रोक देख सकें। मगर जो IMF है वो ये कहता है कि इंडस्ट्री आर्गूमेंट अब नहीं चलेगा कि आप 75 साल के बाद भी कहिए अभी भी हम छोटे हैं, तो आपको ज़रूरी है कि इंटरनेशनल कम्पिटिटिव मार्केट बनानी पड़ेगी। अगर इंटरनेशनल कम्पिटिटिव मार्केट बन जाए तो फिर चीज़ें सस्ती होंगी, क्वालिटी भी बढ़ जाएगी। मगर अगर ये जो है कार्टेल्स रहे, जिसको हम माफिया कहते हैं, तो फिर चीज़ें की सस्ती होना कोई आसान काम नहीं। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच। हमारे साथ डॉक्टर कैस मायरे मशीत मौजूद थे और बेशक इन्होंने सही कहा कि चीज़ें एकदम से नहीं हो सकती हैं जब इतनी ही बिगड़ी हुई हो, इट ऑलवेज टेक्स टाइम। तो प्रोजेक्ट्स तो अच्छे ऑन कर लिए हैं, उम्मीदें भी अच्छी हैं और हर दफ़ा की तरह हम सब उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि इस बार का बजट आवाम के रिलीफ के साथ होगा।